Hello everyone, welcome back to Sushma's Diary. And those moms are new here, please subscribe my channel and share this video with new other moms and would be moms. जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक 18 महीने का बेटा है और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने मदरहुड फैशन लाइफस्टाइल के एक्सपीरियंसेस जो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. आज का जो वीडियो है वो मैं बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद आप अपने और अपने बेबी के लिए क्या तैयारियाँ पहले ही कर सकते हैं या करनी चाहिए ऑफकोर्स. तो टॉपिक इज़ व्हाट शुड बी इन योर हॉस्पिटल बैग. तो लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो. तो आज का जो वीडियो है वो दो सेक्शन में डिवाइड रहेगा. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेबीज असेंशियल्स एंड सेकेंड हम मदर्स असेंशियल को कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस तरीके का एक बड़ा बैग आपको चाहिए जो आप हॉस्पिटल में कैरी कर सकते हैं. ये बैग कैरी बैग हो सकता है या नॉर्मली टॉट बैग हो सकता है. इस तरीके का बड़ा हैंड बैग हो सकता है. हमको बस ये है कि सारा सामान बैग में आ जाए. तो फर्स्ट हम इस तरीके का बैग हमारे पास में हो. ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में पहले से जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हॉस्पिटल आप जिस भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हो रही है वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है. और ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर वो चीज़ें कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं करवा रहा है तो आपको वो चीज़ें भी अपने हॉस्पिटल बैग में इंक्लूड करनी है. जैसे कि फर्स्ट अगर मैं कहती हूँ तो फार्मूला मिल्क कि आई विश कि आपको फार्मूला मिल्क पिलाने की ज़रूरत ना पड़े. लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया, दो दिन मैंने अपने बेबी को फार्मूला मिल्क पिलाया क्योंकि मैं ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला पा रही थी. तो उसके लिए मेरे हॉस्पिटल ने ही मुझे प्रोवाइड किया था. मैंने जो मिल्क पिलाया था मैं उसका स्क्रीन पे फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख सकते हैं ब्रांड नेम. अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से पहले से कंसल्ट करके रखिए और जो भी अच्छा ब्रांड आपको लगता है आप फार्मूला मिल्क का वो यूज़ कीजिए. और एक फार्मूला मिल्क का एक डब्बा आप अपने हॉस्पिटल बैग में पहले ही रखिए क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं. लेकिन प्लीज़ गाय का दूध आप बिल्कुल मत पिलाइए अपने बेबी को. ये मुझे मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए. अगर आपको या तो आप खुद का दूध पिलाइए तो सबसे बेस्ट होता है. लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि सिजेरियन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक दो दिन तीन चार दिन तक मदर को मिल्क नहीं आता है और बेबी जब तक कैसे सर्वाइव करे तो फार्मूला मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो फार्मूला मिल्क के बारे में आप अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करके रखिए और अपने हॉस्पिटल बैग में इसको ऐड ज़रूर कीजिए. फार्मूला मिल्क अगर आपको अपने बच्चे को पिलाना पड़े तो एक टूल जो मुझे मेरे हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया था, ये एक आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूँ, ये दीपक के जैसे है. और ये उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था और कहा था कि इसी से ही आपको बच्चे को फीड करवाना. इस तरीके से इसका एक आगे से माउथ बना हुआ है जिससे आपको बेबी को माउथ में साइड में रखना है, सेंटर में नहीं. और इसमें फार्मूला मिल्क बना के थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून से इसको भर के फिर आप बेबी को फीड करवाइए. तो इस तरीके का टूल मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलेगा, बट ये मेरे हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करवाया था. तो इसके अलावा भी अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक चांदी की कटोरी या एक चम्मच या फिर नॉर्मल कटोरी, स्टील की जो भी आपको सही लगे, छोटी कटोरी या चम्मच छोटे साइज़ की, क्योंकि बेबी का माउथ बहुत छोटा होता है तो उस अकॉर्डिंग आपको छोटे साइज़ का चम्मच और कटोरी आप अपने साथ में रख सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला मिल्क अगर पिलाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सेकेंड है डाइपर. यस, डाइपर मैंने फर्स्ट थ्री मंथ्स तक पैम्पर्स के जो प्रीमियम डाइपर्स थे वही यूज़ करे थे. और अभी तो मेरे पास ये नॉर्मल डाइपर्स हैं जो मैं अभी अपने बेटे को पहनाती हूँ. लेकिन इसमें भी एक प्रीमियम क्वालिटी आती है, वो मैं स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर लगा दूँगी. वो मैंने यूज़ किए थे. डायपर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. इस पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी कि हम लोगों के बड़े लोग कहते हैं कि डायपर्स ना पहनाएं और हाँ हमारी जनरेशन कहती है कि हम डायपर पहना सकते हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो चाहिए. आप नैपीज भी ले सकते हैं, जो कॉटन नैपीज आती हैं बिल्कुल आप वो ले सकते हैं, घर पर सिल सकते हैं, टेलर से सिलवा सकते हैं. लेकिन वो मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरी डिलीवरी विंटर्स में थी और मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि लाइक अगर बेबी थोड़ी देर भी नैपी में रह गया तो सर्दी लग गई एंड ऑल एवरीथिंग. तो आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे डायपर ही यूज़ करने हैं. तो मैंने अपने बैग में, हॉस्पिटल बैग में डायपर्स ही रखे थे. तो इट्स ऑल अप टू यू, आप नैपीज भी रख सकते हैं. सेकेंड इज़ स्वेडलर. स्वेडलर हमको ज़रूर रखने हैं. स्वेडलर हम कहते हैं जिसमें हम बेबी को लपेटते हैं, एक कपड़ा जो होता है.
ये रेडी मेड स्वेडलर्स हैं जो ब्रांड है एडन एंड एनिस का. इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप देख सकते हैं. एक्चुअली ये इंटरनेशनल ब्रांड है और मेरे हस्बैंड उस टाइम पर लंदन थे, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द शॉपिंग वहीं से की है. तो इंडिया में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इस तरीके के स्वेडलर्स आप ले सकते हैं. इनका जो कपड़ा है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये प्योर लिनन है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है. तो या तो आप ये ले सकते हैं या आप होममेड इस तरीके के कॉटन के कपड़े लेकर आ सकते हैं और आप उनको इस तरीके से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ये मेरी मदर और मदर इन लॉ ने दोनों ने इस तरीके की चीज़ें मुझे पहले से प्रिपेयर करके दी थी. तो ये भी स्वेडलर्स ही हैं. ये इस तरीके का पूरा एक क्लॉथ होता है जिसमें आप अपने बच्चे को लपेट सकते हो, जिसमें वो बहुत ही वार्म कोजी फील करता है. तो स्वेडलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आप कम से कम भी 3 से 4 पीसेस आपको ज़रूर रखने हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज़ बेबी की ड्रेसेस. आपको इस तरीके की बेबी की ड्रेसेस जिसमें एक कैप हो, ये बिल्कुल कॉटन के क्लॉथ हैं और ये एक बॉटम है इस तरीके का. ये ड्रेस इस पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट क्रिसमस. ये ड्रेस जो हमने सेलेक्ट की थी कि हम उसको बेबी को, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हम उसको ये ड्रेस पहनाएंगे. ये 3 पीस हैं इसके अंदर. तो ये हमारा फर्स्ट ड्रेस था कि हम बेबी को ये ड्रेस पहनाएंगे. एंड इसके बाद मैंने इस तरीके के, इसे वंजीस बोलते हैं, इस तरीके के ये बूटीज़ इसके साथ में अटैच रहती हैं जिसमें बेबी का फुल जो बॉडी है वो कवर रहता है. और इस तरीके से ये साइड से इसके हुक्स हैं, ये बटन्स हैं, ये इस तरीके से ओपन होते हैं और ये फ्रंट में ना आकर साइड में होते हैं ताकि जो स्टार्टिंग में बेबी छोटा होता है तो उसका जो बेली बटन होता है उसको कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर साइड में है. तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बेबी को जो पहले आप कुछ भी पहनाते हैं, एक तो वो कम्फर्टेबल हो, प्लस कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए. कपड़े आप जो बेबी को पहनाएंगे वो प्री वॉश्ड होने चाहिए. और हमने वाइट कलर ही चूज़ किया था हमारे बेबी के लिए क्योंकि वाइट एकदम प्योरिटी और पीस, एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आती है. इसलिए हमने पिंक और ब्लू, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हम पिंक और ब्लू डिसाइड नहीं करेंगे बेबी के लिए, और वाइट कलर क्योंकि वो इस दुनिया में आएगा या आएगी एकदम फ्रेश होगा, तो इसलिए हम उसको प्योर वाइट कपड़े पहनाएंगे. तो दैट्स वाई हमने सारी ही ड्रेसेस 1, 2, 3, 4 सारी ही ड्रेसेस हमने बिल्कुल वाइट ही ली थी. तो आप भी इस तरीके की ड्रेसेस ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ब्लैंकेट. बेबी समर में हो चाहे विंटर में हो, आपको एक ब्लैंकेट तो उसके लिए ज़रूर लेना रखना ही है क्योंकि बेबी छोटा होता है तो उसके लिए तो मॉनसून कोई भी हो उसको स्टार्टिंग में एक ब्लैंकेट तो चाहिए. डिफरेंस ये है कि गर्मियाँ अगर होती है तो इस तरीके की पतली कॉटन की ब्लैंकेट आप रखें. और ये इसका ब्रांड भी एडन और एनिस का है, इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और विंटर है तो इस तरीके की जो ये फाइबर वाली और बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट है ये, और ये विंटर्स के लिए बहुत वार्म है और ये भी विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है. बहुत ही बच्चा इसमें बहुत कोजी फील करता है. और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. तो ब्लैंकेट आपको ज़रूर लेना है. ओके, नेक्स्ट है बेबी लाइनिंग या फिर हम कह सकते हैं गद्दियाँ जिसमें हम बेबी को सुलाते हैं या जिस पे हम उसको लिटाते हैं. तो इसमें भी ये मैंने रेडीमेड ली थी. इसका जो ब्रांड नेम है वो है गम ड्रॉप्स. इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. ये भी प्योर कॉटन है और बिल्कुल सॉफ्ट है और आप इसको बेबी को इसके ऊपर लिटा सकते हो बहुत ही. और इस पर इस तरीके से प्रिंट बने हुए हैं लॉइन के, और इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है. अगर आप चाहते हैं कि आप घर पे खुद बनाएं तो आपकी मम्मी, आपकी मदर इन लॉ, आई एम श्योर वो बहुत एक्सपर्ट होंगी इन चीज़ों में. ये मेरी मम्मी और मदर इन लॉ ने इस तरीके की गद्दियाँ मुझे बनाकर दी थी होममेड. ये देखिए इस तरीके से पॉम्पॉम लगा के एंड ऑल. तो ये इस तरीके की होममेड गद्दियाँ आप अपने बच्चे के लिए बनवा सकते हैं. तो ये दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास में. आप रेडीमेड भी खरीद सकते हो या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. लेकिन
एक दो पीस आपको अपने गद्दी के, दो पीस ब्लैंकेट के, इस तरीके से आपको ज़रूर अपने हॉस्पिटल बैग में पहले से ही तैयार रखना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हम बेबी के लिए पहले से ही रखते हैं ताकि हमें बाद में भागदौड़ नहीं करनी पड़े। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर से रखनी है अपने लिए और अपने बेबी के लिए। अगर आप ये प्लानिंग करके रखते हैं तो मेरा बच्चा चे हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो तो ये पॉइंट्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं। ये बेबी एसेंशियल लिस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ताकि आप पैकिंग करें तब आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो मदर्स एसेंशियल में, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि एक मदर को आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटल में जो ज़रूरत होती है। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा, और तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस, जब भी कोई वीडियो नया आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और या जैसा कि आपको पता ही है, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी, बाय बाय।